कैथल हैपेट में बड़ा गड़बड़ जाला सामने आया है, जहां लोडिंग गेहूं के ट्रक से 20 क्विंटल गेहूं गायब हो गया है। पुरानी अनाज मंडी के आरती मनोज सिंगला का कहना है कि एक्सटेंशन मंडी से उसका ट्रक हैपेट में लगा था, उसमें 683 कट्टे भी लोड थे, लेकिन उसमें से 20 क्विंटल गेहूं कम पाया गया, जबकि कट्टे पूरे थे। उन्होंने कहा कि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, ये संभव नहीं है कि 20 क्विंटल माल कम हो जाए। वहीं मामला उलझता देख डीएम ने अपने विभाग की गलती मानी और जिम्मेदार इंस्पेक्टर पर कार्रवाई की बात भी कही है। इसके साथ ही मंडी के आरती को क्लीन चिट भी दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार 20 क्विंटल गेहूं लोडिंग ट्रक से गायब कैसे हो जाता है। हालांकि डीएम ने विभाग की गलती मानी है, कहीं ना कहीं जो विभागीय अधिकारी थे उनकी तरफ से खामियां पाई गई हैं। दूसरी तरफ जो 20 क्विंटल गेहूं कम पाया गया है उसको लेकर के एक अलग ही मामला निकल करके सामने आ रहा है कि आखिरकार ये 20 क्विंटल गेहूं कहां गया, क्योंकि जिस ट्रक में गेहूं को लोड किया गया था कट्टे पूरे थे, और फिर बाद में जब मंडी में पहुंचता है ट्रक तो वहां से 20 क्विंटल गेहूं गायब हो जाता है। ऐसा है भाई, मैंने एक्सटेंशन मंडी में जगह कमी की वजह से एक्सटेंशन में मंडी में माल डालता हूं मैं, और वहीं से मेरा माल उठता है। हैफेट को मैंने माल बेचा था और कल ही मेरे 3-4 ट्रक लोड हुए रैंडमली। एक ट्रक में मेरे 683 कट्टे लोड हुए और 683 कट्टे ड्राइवर ने गिन के लदवा लिए वहां से। उसके बाद हैफेट में कल लोड हुआ था शाम को और आज उतराया, तो मेरे पास ड्राइवर का फोन गया कि आपके 20 क्विंटल माल कम है। तो मैं, मेरे आदमी यहाँ पे आए, मुनीम जी यहाँ पे आए, तो उन्होंने देखा कि उनको बताया कि 20 क्विंटल माल आपका कम है। उसने दिखाया कि इन्होंने दिया हुआ है 683 कट्टे आपके पहुँच चुके हैं, हैं, और बस सिर्फ लिख दिया कि 326 क्विंटल माल उसमें रिसीव कर लिया, जबकि इसका 20 क्विंटल 345 के करीब वेट होना चाहिए, इसलिए मेरा 20 क्विंटल माल। देखिए, पहली बात तो ये मामला इतना था ही नहीं, अगर कोई मान लिया कंप्लेंट थी आड़ती की, तो पहले बात तो उसने इसके इंचार्ज को कंप्लेंट करनी चाहिए थी, उसके बाद उसका मैनेजर बैठा है उसको करनी चाहिए थी, उसके बाद मैं बैठा हूँ, मेरे ऑफिस का मामला है तो मेरे ऑफिस में आगे करनी चाहिए थी। ठीक है, मैं कहता हूँ ये छोटी सी बात को हम इतना बड़ा मतलब बड़ा बड़ा के करते हैं तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। एक ट्रक में से 20 क्विंटल का, मैं छोटा मामला नहीं है, छोटा मामला, मेरी बात सुनिए ना, पहले कंप्लेंट है ना, बात ये है कम आई है तो कम, अगर आई है कंडे पे आई है तो मेरे इंस्पेक्टर ने देखनी चाहिए थी, अगर वो गाड़ी उतर भी गई है, पहले बात उसकी कमी है, गलती है, उसने उतारा कैसे, उसके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा कि उसने 20 क्विंटल माल जो है कम कैसे ले लिया कंडे पे। ठीक है ना, क्योंकि बैग नॉन स्टैंडर्ड होते हैं, उसको हम ले नहीं सकते। एक बैग हम अगर 250 किलो से 250 ग्राम कम है तो उसकी हम रसीद नहीं कर सकते हैं, अगर उसने ऐसा किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई है, नंबर एक बात। दूसरी बात, अगर उसने उसको रसीद दे दी है तो उसका जिसकी वो पहुंच है वो तो पूरी है उसकी, हम उसमें वो नहीं कर सकते। तो इसमें आरती का कोई कसूर नहीं है, उसकी पहुंच पूरी मानी जाएगी, पहुंच पूरी मानी जाएगी उसकी। यह है फेड में बड़ा गड़बड़ जाला देखने को मिला है, जहां लोडिंग ट्रक से 20 क्विंटल गेहूं गायब हो गया है। यानी कि जब हैफेट में गेहूं पहुंचता है तो 20 क्विंटल जो गायब हुए वो पूरे थे, 300 से ज्यादा क्विंटल लदा हुआ गेहूं था, और बाद में जब ये मंडी में पहुंचता है ट्रक तो वहां 20 क्विंटल गेहूं कम पाया जाता है। अपने आप में बड़ा मामला है, डीएम अपने विभाग की गलती मान रहे हैं और संबंधित इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो आरती हैं मनोज सिंगला, उनका साफ साफ कहना है कि ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ, 683 कट्टे गेहूं के लोड थे, जो हैफेड में पहुंचाया गया था वहां गेहूं पूरा था, लेकिन वहां से जब गेहूं निकल करके मंडिया तक पहुंचते हैं तो वहां पर गेहूं कम पाया जाता है। तो आपको बता दें कि पुरानी अनाज मंडी में आरती मनोज सिंगला का कहना है कि एक्सटेंशन मंडी से उसका ट्रक हैफेड में लगा था, उसमें 683 कट्टे गेहूं के लोड थे, जो ड्राइवर को लोड कर संभलवाए भी गए थे। यह ट्रक हैफेड धर्मकांटा पहुंचता है, लेकिन जब वहां से गेहूं उतारा जाता है तो फिर
गेहूं 20 क्विंटल कम पाया जाता है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कैथल से हमारे संवाददाता अनिल चौधरी लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे समझना चाहेंगे। अनिल, आपसे हम समझना चाहेंगे कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या, आप वहां प्रत्यक्ष तौर पर मौजूद हैं और आप बेहतर बारीकी से समझ पा रहे होंगे पूरे मामले को। ये 20 क्विंटल जो गेहूं गायब हुआ है ये कहां गया है, कुछ इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई या फिर सिर्फ ये विभाग की गलती मात्र है? जी देखिए, इस मामले में जो है अभी तक जांच जारी है। अगर ये कहे कि कहां गायब हुआ है तो इसके बारे में अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर बात करें कैथल की जो पुरानी अनाज मंडी की आड़ती है, उनका ये कहना है कि जो मंडी के अंदर उसने 386 जो नग है वो ट्रक के अंदर लोड करवाए थे, उसके बाद धर्मकांटे के ऊपर इसका वजन हुआ था और वजन के अकॉर्डिंगली जो है वजन पूरा पाया गया था। और उसके बाद जब ये हैफड़ में अनलोडिंग की गई तो वहां पर 20 क्विंटल जो है कम पाया गया। तो उसके बाद जो है उसने जो है डीएम हैफड़ को शिकायत दी है और मीडिया को भी बुलाया है। मीडिया के समक्ष जो है उसने यही आरोप लगाए हैं कि उसका जो इस तरह से जो है अनाज जो गेहूं का कम होना कहीं ना कहीं जो बड़ा विषय है। जबकि जो डीएम हैफड़ है उनका ये कहना है कि मामला जांच में है और जांच की जा रही है, अगर कोई संबंधित अधिकारी ऐसा दोषी पाया जाता तो उसके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी ठीक है अनिल, लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार जब हैफेड में पहुंचता है 20 क्विंटल जो गेहूं कम हो जाता है, हैफेड में पहुंचने के बाद में धर्मकांटा पर गेहूं का वजन पूरा रहता है, ट्रक में बराबर गेहूं रहता है, लेकिन जब हैफेड में पहुंचता है ये मामला उजागर कैसे हुआ, कैसे ये पूरा प्रकाश में मामला आया? जी बिल्कुल, मामला प्रकाश में इस प्रकार से आया कि जो आड़ती है उसके पास हैफड़ की तरफ से फोन जाता है और फोन में ये बताया जाता है कि आपकी जो वजन है वो 20 क्विंटल कम पाया गया है और उसको बुलाया जाता है। बुलाने के बाद जो बताया भी जाता है कि आपका 20 क्विंटल कम है, तो उसका ये कहना है कि जब धर्म कांटे बराबर था और जब लोडिंग के टाइम बराबर था तो यहाँ आने के बाद जो है 20 क्विंटल जो गेहूं है वो किस तरह से कम है। उसके बाद जो उसने हंगामा भी किया और डीएम को भी बताया और मीडिया को भी बुलाया, मीडिया के समक्ष उसका यही कहना था कि कहीं ना कहीं जो है विभाग की लापरवाही की जो है सामने आ रही है, क्योंकि ऐसा इस प्रकार का जो मामला है वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि 20 क्विंटल कम होना एक बड़ी बात है। उसका ये कहना है कि क्विंटल 2 क्विंटल हो सकता है कि कम हो जाए, लेकिन ऐसा संभव है कि किसी प्रकार से किसी की मिलीभगत से जब हैफेड में गेहूं पहुंचता है तो इसको निकाला जा सके, चोरी किया जा सके, कोई ऐसी भी संभावनाएं हैं क्या? अगर बात कैथल की करें, कैथल के अंदर ये पहला मामला है जब एकदम से जो है 20 क्विंटल जो है गेहूं कम हुई है। तो आड़ती का तो यही कहना है कि उसका तो कोई दोष नहीं है कि जब धर्म कांटे पर उसने जो है गाड़ी का लोडिंग करवाने के बाद जो है उसका वजन करवा दिया। तो अब जो है सवाल बचता है कि धर्म कांटे से लेकर जो है हैफड़ तक 20 क्विंटल जो गेहूं अब किस तरह से गायब हुई, ये जो है पूरा जांच का विषय है। जी ठीक है अनिल, क्या कुछ और आड़ती हैं या फिर किसी और इस तरह की समस्याएं हैं? क्योंकि डीएम साहब को भी हमने कहता सुना, वो कह रहे हैं कि एकाध क्विंटल की बात हो तो उसको समझा जा सकता है कि ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो 20 क्विंटल का जो मार्जिन है, जो ये गेहूं गायब हुआ है, ये कहां गया? कुछ और लोगों की भी ऐसी शिकायतें सामने आई है क्या निकल करके कुछ? नहीं, अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं आया, ये पहला ही मामला है जब कैथल के अंदर ऐसा मामला आया है जहां पर 20 क्विंटल जो गेहूं है वो कम हो जाती है और डायरेक्ट जो है आड़ती को बोला जाता है कि आपकी जो है 20 क्विंटल गेहूं कम है। उसके बाद जो है विभागीय जो अधिकारी है वो भी सकते में आए, क्योंकि इस प्रकार का जो मामला पहले कभी नहीं आया था। तो इसीलिए जो इसको लेकर जो है जांच की जा रही है किस प्रकार से जो है 20 क्विंटल धर्म कांटे से लेकर हैफड़ तक गायब हुआ। जी ठीक, तो जो ये बीज की कड़ी है, जो मंडी से आपके हैफड़ तक की जो बीज की कड़ी, इसमें कौन कौन से ऐसे लोग शामिल है जहां पर संभावना ये जताई जा सकती है कि हाँ यहाँ से गेहूं गायब किया जा सकता है? जी देखिए, धर्म कांटे से लेकर हैफड़ तक जो है पहले जो है ट्रक ड्राइवर और कनेक्टर जो होते हैं वो उसके ऊपर शामिल होते हैं। उसके बाद जो है जो जिन्होंने उतारा है वो भी इसके अंदर जो है संलिप्त हो सकते हैं। तो इसके अंदर जो है ट्रक ड्राइवर से लेकर जो अनलोडिंग करने वाली जो टीम है उनके ऊपर कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठते हैं कि जो इस प्रकार की जो गेहूं कम होनी है तो वो लाजमी है, क्योंकि धर्म कांटा जो है वो पूरा वजन बताता है। उसके बाद जो है 20 क्विंटल कम होना कहीं ना कहीं जो है ट्रक ड्राइवर और जो अनलोडिंग टीम है उसके ऊपर सवालिया निशान खड़ा करता है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि जो ट्रक ड्राइवर है और जो अनलोडिंग टीम है, अगर गड़बड़ हुई है तो इन्हीं स्तर पर हुई होगी, धर्म कांटे का इसमें कोई दोष नहीं है, आरती का किसी तरह से कोई दोष नहीं है? जी देखिए, आड़ती का और धर्म कांटे का तो दोष नहीं हो सकता, क्योंकि उनके सामने जो है लोडिंग करवाई जाती है और लोडिंग करने के बाद वजन करवाया जाता है। अगर धर्म कांटा का कहीं ना कहीं इसके अंदर
मतलब रोल होता तो पहले ही एक ट्रक की बजाय 10 ट्रकों के अंदर भी होता, क्योंकि एक ट्रक के अंदर वजन कम होना तो धर्म कांटे के ऊपर तो सवालिया निशान नहीं उठ सकते, क्योंकि उसके ऊपर जो है लाखों टन क्विंटल जो है हर रोज जो है मतलब उसकी तुलाई होती है, वजन होता है, तो कहीं ना कहीं पहला मामला आया है। तो ये जो मामला है ट्रक जो ड्राइवर है, कंडक्टर है या जो अनलोडिंग टीम है उसके ऊपर सवालिया निशान हो सकते हैं जी। अच्छा अनिल, एक और सवाल आपसे ये समझना चाहेंगे, जो और विभागीय अधिकारी हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं पूरे मामले पर? देखिए ये जब अगर हम परचेजिंग की बात करें, परचेजिंग की 3 टीमें होती हैं, हैफड करती है, फूड सप्लाई करती है, और फूड सप्लाई के अलावा जो है एक एग्रो जो टीम है वो जो है सरकारी खरीद करती है, तो उनका तो कोई रोल नहीं है। उनका तो ये कहना है कि भाई जो है हैफड का माल कम हुआ है तो नेचुरली हैफड जो कर्मचारियों की लापरवाही या ट्रक ड्राइवर की लापरवाही हो सकती है जी। ठीक है अनिल, आप खबर पर जानकारी अपनी नजरें बनाए रखिए और तमाम अपडेट हम तक पहुंचाते रहिए। और जिस तरह से 20 क्विंटल गेहूं गायब हुआ है वो अपने आप में बड़ा विषय है, प्रशासन के लिए भी चिंता का सबब बना हुआ है कि आखिरकार 20 क्विंटल गेहूं गया कहाँ है।